Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great and well. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई फर्स्ट एवर मीशो हॉल. तो जो भी मीशो हॉल में मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी वो ज़्यादातर विंटर वेयर है. मतलब 70% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर विंटर वेयर एंड कुछ प्रोडक्ट्स हैं दो तीन जो मैंने समर के लिए भी लिया है एंड दे ऑल आर वेरी फैंटास्टिक. क्वालिटी बहुत अच्छी है, इवन बहुत अफोर्डेबल है. सारे प्रोडक्ट्स अंडर 1000 रुपीज़ है और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 200 रुपीज़. तो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिए और आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट एवर मीशो हॉल एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल. आई होप जैसे आप मेरी मेकअप वीडियोस को पसंद करते हैं ना वैसे आप मेरी एक क्लोथिंग हॉल को भी पसंद करेंगे. स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी नाइट वेयर से. तो मैंने यहाँ पे दो नाइट वेयर लिए हैं एंड दोनों ही बहुत अमेजिंग है. ठीक है, तो पहला है मेरे पास फर नाइट सूट है एंड ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. पहली बात तो आप स्क्रीन में देख सकते हो, जो भी प्रोडक्ट्स के लिंक होंगे कोड होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके चेक कर लेना. तो ये है एक फर विंटर यू नो नाइट सूट और ये मेरे को एक्चुअली ब्राउन कलर में लेना था बट यही कलर अवेलेबल था एंड बहुत ही अफोर्डेबल है. खाली 597 का लिया था बट इसका 10-20 प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है. तो ये इस तरह से गाइस इसकी क्वालिटी है एंड बहुत ही लाइट वेट है एंड ये यहाँ पे ये फ्लीस सा है, फर सा है. तो इस तरह से इसका ये यू नो दिखने में है और फुल स्लीव्स है. इसमें ये प्रिंट है, टेडी बियर प्रिंट्स बने हैं एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कोजी है एज वेल एज बहुत ही वॉर्म है. इसका टॉप है ये काफ़ी खुला है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इसका लोअर. इसका जो लोअर है ये मुझे फिट आता है, ठीक है, एंड इसमें पॉकेट्स नहीं है. थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इसमें पॉकेट नहीं है बट ठीक है, कोई बात नहीं. एंड ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा, ये बहुत कोजी है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड इसको पहनने में काफी आराम है, काफी लाइट वेट है. जो मैंने यहाँ पे ये साइज लिया है ये है एल साइज. तो ये पूरा पजामा सेट है नाइट वेयर एंड अगर आप इसको रात को भी पहन के सोते हो ना तो आपको काफी गर्मी लगने वाली है. ये इतना कोजी और इतना वार्म है आई टेल यू. तो ये है मेरा पहला और जो कि बहुत ही अमेजिंग है. सेकेंड है मेरे पास ये ग्रे कलर का वुलन नाइट सूट, ठीक है, ये भी एक नाइट सूट है. ये उससे थोड़ा डिफरेंट है. इसका जो फैब्रिक है वो फर में है, ये थोड़ा वुलन में है, ये भी थोड़ा फर ही है बट अंदर थोड़ा सा फ्लीस में है. तो इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि इसमें हुड भी है एज वेल एज इसमें यहाँ पे ये पॉकेट्स भी हैं. तो ये काफी सही रहता है, आप इसको बाहर पहन के जा सकते हैं. ये भी उतना ही वार्म है जितना ये वार्म है. 594 का लिया था 600 समथिंग का और इसमें ये हुड भी है और ये ना थोड़ा सा स्वरोस्की शायरी से बोलते हैं जो भी बोलते हैं ये चिपकाने वाले, इसका काम हो रखा है. ये इसकी वजह से थोड़ा सा ये अच्छा लगता है. इसमें भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे एंड इसका ये लोअर है इसमें भी पॉकेट है. तो यहाँ पे हमें मिल गई है डबल पॉकेट. तो ये मेरा जो साइज है ये एल है और इसका जो पजामा है नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, फिट वाला नहीं है, थोड़ा सा प्लाजो टाइप में है. ये मैं आपको साथ नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ जो कि यह है स्लिम फिट हाई नेक टॉप और इसका जो फैब्रिक है यह है लाइक्रा और ये फुल स्लीव की टी शर्ट है एंड काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है. सी, काफी स्ट्रेचेबल है और ये मेरा जो साइज है ये है एल. बस इसका थोड़ा सा नेक से मुझे टाइट लगा और ये ना बहुत कोजी तो नहीं है लेकिन आप इसको जैकेट के नीचे एक टाइट स्लीक सी टी शर्ट के रूप में पहन सकते हो एंड ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे. और ये हाई नेक के आजकल काफी फैशन चल रहा है, वैसे तो ये सॉलिड कलर में है. इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे और इसको आप थोड़े से वैसे मौसम में भी पहन सकते हो जिसमें जब थोड़ी सी ही ठंड रह जाती है आप उसको तब भी इसे पेयर अप कर सकते हो, ठीक है. एंड इसका कॉस्ट गाइस बहुत ही अमेजिंग, मैंने इसे 194 रुपीज़ में लिया था. तो ये हमारे सारे हॉल में सबसे चीपेस्ट टॉप है. तो नेक्स्ट है मेरे पास ये फ्लीस लेगिंग्स जिसे हम कहते हैं थर्मल लेगिंग्स एंड इसका कॉस्ट बहुत अमेजिंग है. 215 रुपए की मैंने ली थी और ये बहुत सस्ती हुई है. तो इसका अंदर का फैब्रिक आप देखो, इस तरह से इसका फैब्रिक है फ्लीस में एंड ये बहुत ही ज्यादा गर्म है. अगर आप इसके ऊपर कोई भी जीन्स पहन के पेयर अप करना चाहो बहुत ज़्यादा ठंड में या फिर आप इसको डेली यूज में सिर्फ घर में भी पहन सकते हो, इसके ऊपर आपको कुछ पहनने की जरूरत नहीं है. एंड ये गाइज काफ़ी फिटेड है, ठीक है, लेकिन काफ़ी सही लगती है, ऐसी कोई ऑड सी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा फिटेड नहीं लगती. एंड इसके ऊपर ये हाई वेस्ट बैंड है जो कि एक अच्छा सा आपको फुल कवरेज, अच्छे से आपको टमी से लेके नीचे एंकल लेंथ तक काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है. 215 रुपये में इतनी अच्छी लेगिंग आई थिंक मार्केट में तो नहीं मिलती. आप इसको किसी भी ड्रेस के नीचे पेयर अप कर सकते हो, स्कर्ट के नीचे पेयर अप कर सकते हो और जैसे आप कहीं आउट स्टेशन में जा रहे हो, हिल स्टेशन में जा रहे हो तो अपने जीन्स के नीचे पेयर कर सकते हो. तो इसका जो ऊपर का जो फैब्रिक है ये थोड़ा पॉलिश
पॉलिएस्टर लगा मुझे शाइनिंग वाला। इसका ये फायदा है कि अगर आप इसको जीन्स के ऊपर नीचे पहन रहे हो तो जीन्स अपने आप फिसल के ऊपर आ जाती है। तो अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो थोड़े एथनिक वेयर में है, विंटर भी है और समर भी है। ये पिंक कलर का अनारकली सूट विच इज सुपर यू नो सुपर अमेजिंग, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका कॉस्ट है ₹781 और मैंने ये यू नो समर के लिए भी यार ले सकते हैं यार, ठंड होती कितनी है, 2 महीने की तो ठंड होती है, उसके बाद तो समझ ही आनी है। तो मैंने ये लिया था एंड इसका ये योक डिजाइन है, ठीक है आप ये देख सकते हो, ये योक डिजाइन है, गोल्डन कलर से जरी वर्क हो रखा है। तो ऐसा भी नहीं है कि पेंट है या गोटा पट्टी का वर्क है, तो ये जरी वर्क भी हो रखा है और सेल्फ थ्रेड से उसे पिंक कलर के थ्रेड से भी काम हो रखा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और फैब्रिक है इसका रेयॉन, बट मुझे ये कॉटन लग रहा है, आई थिंक शायद धुलने के बाद पता चलेगा। और स्लीव्स पे आपकी ये गोटा पट्टी, ये समोसा लेस है एंड ये थोड़ी सी गोटा पट्टी पतली वाली जो किनारी होती है उसका वर्क है, ठीक है। एंड ये अनारकली में है, इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है। एंड आपको अनारकली के बॉटम में भी ऐसे समोसा लेस मिल जाएगा और ये गोटा पट्टी का वर्क भी मिल जाएगा। जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं आगे या छोटे मोटे आप फंक्शंस में जाते हो पूजा वूजा में, उसके लिए ये बेस्ट है। और इसमें एक दो कलर्स और थे, लाइट ग्रीन एंड लाइट ब्लू, बट मुझे ये अच्छा लगा। स्ट्राइप्ड में ये पैंट्स है, ठीक है, एंड पैंट्स का फैब्रिक भी अच्छा है, अच्छा सा कॉटन है और रेयॉन लिखा है इसमें, बट मुझे तो फुल्ली कॉटन लग रहा है। इसके साथ है ये दुपट्टा, ये थोड़ा सा पेंटेड सा है, ठीक है। इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, सिंपल सा आप इसको कैरी कर सकते हो गर्मियों में, तो इसका दुपट्टा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सी काफ़ी अच्छा हेल्थी दुपट्टा है इसका, काफ़ी लंबा चौड़ा है, गर्मियों के लिए ठीक है यार, बढ़िया है। और ये कलर बहुत प्यारा है, आई मीन हर स्किन टोन के ऊपर ही अच्छा लगेगा, चाहे आपका डस्की स्किन टोन है फेयर के लिए तो ऑफकोर्स। और इसका जो ये योग डिज़ाइन आ रहा है, ये जो समोसा लेस आ रही है, ये जो पूरा गोटा पट्टी का वर्क आ रहा है यार, ये बहुत अमेजिंग लगा। इससे लुक अच्छी भी हो गई और ये थोड़ा सा यू नो फैंसी भी हो गया, जो कि है नायरा कट में। तो नायरा कट में क्या होता है ना, आपकी कमर से ही कट स्टार्ट हो जाता है, तो ये अनारकली पैटर्न में नहीं है। एंड इसमें भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका जो डिटेलिंग वर्क है नेक पे और अनारकली के नीचे, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हो सी इसका जो कट है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वेस्ट से यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो यहीं से कमर से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं नायरा कट। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं नायरा कट। तो इसकी भी स्लीव्स में ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है, एंड इसके ये योक डिज़ाइन है, इसमें भी सेम वैसा ही योक डिज़ाइन है, इसमें कोई गोटा पट्टी का वर्क नहीं है, बट थोड़ा सा जरी का थ्रेड का वर्क है, थोड़ा सा गोल्डन थ्रेड का वर्क है, एंड साथ ही साथ में ये थोड़ा सा यू नो मिरर वर्क दे रखा है। और आप देख सकते हो नीचे से ए शेप में है और थोड़ा सा नायरा कट है, विच इज अमेजिंग, पहनने के बाद बहुत अच्छी लुक आएगी। जब ये इस तरह से पहना जाएगा तो ये कितना प्यारा लग रहा है कलर, ऊपर से जो इसका डिटेलिंग वर्क आ रहा है ना वो तो यार सुपर अमेजिंग है। और स्लीव्स के साथ साथ आपको अनारकली के नीचे भी मिल जाएगा, विच इज अमेजिंग, ठीक है। तो इसके साथ आता है यही पैंट, इसकी पैंट थोड़ी सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू दैट पिंक वन, एंड इसका फ्लेयर भी अच्छा है, ऊपर इलास्टिक है एंड खुला खुला पैंट है, विच इज़ गुड फॉर समर्स। इसके साथ है ये दुपट्टा जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है, एंड इसका ये दुपट्टा भी कैरी करने में काफ़ी लाइट वेट है, जो कि ठीक लगता है। इंस्टाग्राम पे ना स्क्रोल करते करते मिला और जब मैंने इसका प्राइस देखा ना, आई वॉज अमेज्ड, मैंने उसी टाइम इसे ऑर्डर किया, मैंने ये खरीदा। यार ये देखो आप, ये सूट देखो, ये शरारा सेट है, जॉर्जेट फैब्रिक, चिकनकारी वर्क है और साथ में ना ये सिपियाँ लगी हुई हैं, जिससे ये पूरा पार्टी वेयर लुक लगता है। सी ये कितना अमेजिंग लगेगा ना पहना हुआ, बहुत अमेजिंग। एंड इसके नेक पे दे रखा है ये गोल्डन बीड्स का ये वर्क दे रखा है, विच इज अमेजिंग गाइज, मतलब। और पीछे ना ये नेक के लिए ये एक डोरी सी दे रखी है पीछे, अगर आपको डीप लगता है या आपका कंधा गिर जाता है ना तो आप बांध सकते हो। और इन सूट्स में ना हर सूट में मार्जिन अच्छा खासा है, तो अगर आपको टाइट हो जाता है इन केस का भी तो आप उसको लूज कर सकते हो। इसके बॉटम में भी आपको गोल्डन लेस मिल जाती है और आपको इनर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ही अच्छे फैब्रिक की लाइनिंग लगी है। बॉटम बिल्कुल सिंपल है, सिंपल शरारा जैसे होता है वैसा है, इनर भी लगा हुआ है इसमें और सिंपल शरारा जैसे होता है वैसा है, अच्छी फ्लेयर है, अच्छी लेंथ है और पहना हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ है ये दुपट्टा जो कि स्टॉल टाइप है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन इसके दुपट्टे के कॉर्नर में भी ये लगी है गोल्डन लेस, विच इज़ सुपर अमेजिंग। आपको हल्का फुल्का ही दुपट्टा चाहिए क्योंकि आपकी कुर्ती अच्छी खासी है। इसमें 3 कलर्स हैं, येलो,
मैजेंटा यानी रानी कलर और एक ये. ओके नेक्स्ट है मेरे पास ये वेलवेट कुर्ता सेट नेवी ब्लू कलर में. अमेजिंग पीस है गाइस, देख के ही पसंद आ जाएगा, इतना प्यारा पीस है ना ये. सी इसको मुझे देखते ही पहली नज़र में मैंने इसे ऑर्डर किया था. और ये इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और इसके सारे शेड्स अमेजिंग हैं. मस्टर्ड, वाइन कलर, डार्क ग्रीन, ब्लू, पिंक और आई थिंक एक दो शेड्स और हैं. इसका कॉस्ट है, मैंने इसको वैसे थोड़ा कॉस्टली लिया था, 962 का लिया था, अब ये सस्ता हो गया. आई डोंट नो, मैं कह रही हूँ ना, 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है. तो ये इस तरह से ये कुर्ता है, आप देख सकते हो. और इसके नेक पे आप देखो स्वरोस्की का पूरा डिटेलिंग वर्क है और ये बहुत ही प्यारा वाला एम्ब्रॉयडरी हो रखा है इस पे. और ये इसका फैब्रिक है वेलवेट, तो आपको ठंड नहीं लगने वाली है, काफ़ी मोटा कपड़ा है. अंदर कोई ऐसी लाइनिंग नहीं है, सिंपल सा ऐसे ही है. 3/4 स्लीव्स है, फुल स्लीव्स नहीं है. इसका बॉटम वर्क भी बहुत अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर डिटेलिंग वर्क किया गया है. और ये बिल्कुल अच्छा खासा आप पार्टीज में पहन सकते हो. तो इसके साथ जो पैंट्स आती हैं, सिंपल पैंट्स है, पैंट्स वैसे कोई डिटेलिंग नहीं है, स्ट्रेट पैंट्स है. बट हाँ, प्लाजो में एक साइड पॉकेट है, आपकी राइट साइड पे आपको ये पॉकेट मिल जाएगी. अच्छा खासा इलास्टिक है एंड स्ट्रेट पैंट्स है, जो इस कुर्ती के साथ अच्छी लगेंगी. एंड कुर्ती की लेंथ बहुत लंबी नहीं है, नीज से भी ऊपर लेंथ है. और इसका फैब्रिक काफी सॉफ्ट, काफी मैट है एंड काफी सॉफ्ट है. तो आप इसका फैब्रिक भी सामने से देख सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. तो जब ये अच्छा लगा ना, तो इसके साथ एक और पीस था सेम ऐसा ही है वो, लेकिन उसका पूरा वर्क अलग है. वो है ये कलर, ग्रे कलर. मैंने इसको लेवेंडर कलर में ऑर्डर किया था बट मुझे ये वाला रिसीव हुआ. बट आई वाज लाइक ठीक है यार, ये कलर भी पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था. एंड इसका डिटेलिंग वर्क सेम वैसे ही है, फैब्रिक भी वही है, वैसे ही टच है, उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही लाइट वेट है. बस इसकी स्लीव्स में थोड़ी सी डिटेलिंग वर्क की गई है, उसमें नहीं था, इसमें की गई है. और साथ ही साथ इसमें पूरा किया गया है, इसमें से पूरी स्ट्रेट दी गई है, नीचे या पूरे ऐसे नेक पे नहीं है. तो इसमें भी ये मुझे अच्छा लगा. एंड इसमें कलर्स बहुत ही लाइट पेस्टल कलर्स थे, उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही है. एंड इसकी लेंथ उससे थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे, इसकी फिटिंग भी थोड़ी थोड़ी सी अलग थी. और इसमें भी सेम पैंट्स भी सेम वही है, ठीक है, उतनी ही सॉफ्ट, उतनी ही लेंथ, वैसे ही प्लाजो शेप में स्ट्रेट पैंट्स थी. और थोड़ी सी साइड में हमारी हल्की सी पॉकेट है, अनस्टिच्ड ड्रेस मटेरियल. इसका प्राइस सुन के आप कहोगे इतने प्राइस में इतना अच्छा मिल गया, 550 रुपये का इसका प्राइस है. स्वरोस्की का काम है, जो नग होते हैं ना चिपकाने वाले. तो ये है हमारा ड्रेस मटेरियल, ये से स्वरोस्की का काम हो रखा है एंड पूरा हो रखा है आपका ये पूरा सूट में. और नीचे भी डिटेलिंग वर्क दी गई है. और ये पूरा सूट ऐसे ही है, पीछे से प्लेन है और इसी में ही आपका पैंट और इसी में ही दुपट्टा आपका अलग से है और इसमें ही आपका पैंट का भी पीस है. तो इसकी कितनी लेंथ है, कितना मीटर है, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो आप इसका वर्क ऐसे सामने से देख सकते हो, क्योंकि ये अनस्टिच है ना, तो इसलिए मैंने इसको पहन के नहीं दिखाया. मैं इसको कैसे पहनती, अगर मैंने सिलवा लिया होता टाइम से तो मैं इसको ज़रूर सिलवाती. तो मैं आपको ऐसे ही रख के दिखा देती हूँ, ऐसे नेक पे आएगा और ये आपका पूरा एम्ब्रॉयडरी यहाँ तक आएगी. और ये अच्छा वाला शनील है, इसमें गर्म ही ठंड तो बिल्कुल नहीं लगने वाली, काफ़ी मोटा पीस है, ठीक है. और इसी में ही बॉटम वेयर है, बॉटम वेयर आपका प्लेन है, तो आप सलवार या फिर प्लाजो सिलवा सकते हो. तो इसी के अंदर है वो बॉटम वेयर एंड इसमें कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है, प्लेन है. ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी हल्का मटेरियल नहीं है, अच्छा वाला मटेरियल है, मतलब 550 के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है. इसके साथ है आपका ये शॉल सी कह सकते हो, स्टॉल है. एंड ये भी आपकी वेलवेटी टच में है, सी ये भी आपको प्रॉपर वेलवेट है. बट इन्होंने ऐसे ना बॉर्डर ना सिला हुआ है ना ही कोई, मतलब ऐसे कोई लेस है, तो आप अलग से लेस लेके लगा सकते हो. इनकी रेटिंग्स भी सबकी बहुत ही अमेजिंग है. तो हमारे पास जो लास्ट पीस है, तो मैंने ये सबसे अच्छा पीस सबसे एंड के लिए रखा था, जो कि है हमारा ये विंटर वेयर के लिए ही है, हमारा ये वेलवेट साड़ी, ठीक है. ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मोटा फैब्रिक नहीं है, तो ये आप देख सकते हो, ये है साड़ी विच इज अमेजिंग गाइस. कलर आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारा कलर है. एंड हर बॉर्डर में प्लेन साड़ी है एंड बॉर्डर में ऐसा ही डिटेलिंग वर्क किया गया, पूरा जरी वर्क की ये लेस लगाई गई है, ठीक है. तो पूरी साड़ी में 5.5 मीटर की ये साड़ी है, जो प्रॉपर हमारी नॉर्मल साड़ीज होती हैं जॉर्जेट की, सिल्क की, ये वैसी ही साड़ी है पूरे 5.5 मीटर की. अगर इसका ब्लाउज देखोगे ना, यू विल बी अमेज, क्योंकि इतना अमेजिंग, इतना प्रीटी ब्लाउज ये आया है.
0.8 मीटर का, लगभग 1 मीटर से के आसपास है ये। पूरा हैवी वर्क में है, तो आप इसको फुल स्लीव्स भी सिलवा सकते हो और फुल स्लीव के साथ ये साड़ी अमेजिंग लगेगी। तो आप किसी पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टेंटली ये ब्लाउज सिलवा सकते हो। एंड साड़ी का फैब्रिक तो हैवी है ही, तो ये अमेजिंग लगेगा। एंड फुल एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जरी वर्क से, जो कि यू नो बहुत ही अमेजिंग लगेगा यार। और अगर आपका मन भी भर जाएगा ना, तो आप इसका सूट सिलवा सकते हो। 5.5 मीटर की साड़ी है, आराम से सूट बन जाएगा। तो ये था 5.5 मीटर की साड़ी एंड 0.8 मीटर की ब्लाउज। और इस तरह से ये पूरी साड़ी में ये वाली लेस लगी है, पूरी साड़ी में। इसमें कलर ऑप्शंस तो बहुत ही सारे थे, पर ये कलर अमेजिंग था। मेहरून, ब्लैक, डार्क ग्रीन, काफी सारे कलर्स के ऑप्शन थे। 733 रुपीज की ये साड़ी है। एंड मुझे नहीं पता मैंने कितने की ली, तो अभी जो रेट चल रहा है मैं आपको वही बताऊंगी। तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। तो गाइज, ये था मेरा मीशो हॉल। आई होप आपको मेरा ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड ये अभी नहीं लिया है, कुछ नवंबर में लिया था, कुछ दिसंबर में लिया था, एंड कुछ रिसेंटली लिया था। तो काफ़ी सारा कलेक्शन हो गया था एंड काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन था, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आई होप गाइज आपको ये मेरा मीशो हॉल पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा, समर में भी और विंटर में भी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए गाइज थैंक यू सो मच। तो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, विद कोड, विद प्राइस एंड विद साइजेस। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।